स्वर्ण नाम है। खाने तरफ नजर। तो आपकी मेन कंप्लेंट क्या है जिसके लिए आप यहाँ पे आए हो? सर मुझे आगे चलने तो प्रॉब्लम होती नहीं है, जैसे थोड़ा पीछे बैठ होता हूँ तो हल्का सा लेफ्ट साइड कमर की वहाँ पे होता है। सिर्फ लेफ्ट साइड पे नहीं, बीच में ही लेफ्ट साइड पे। और बिल्कुल जो लास्ट पॉइंट है रीडिंग कर देगा एक वहाँ पे होगा थोड़ा सा। वो आपको बैठने में झुकता है? वहाँ हार्ड सफेद जैसे बैठता हूँ तो हल्का सा पेन होता है। ठीक है, आगे झुकने में बिल्कुल भी पेन नहीं होता? आगे झुकने में पेन नहीं होता, थोड़ा बहुत माइनर होता है। ठीक है, एक बार आप घूम जाएंगे प्लीज, आपको एक बार चेक करना है थोड़ा सा ऐसे। हल्का सा इसको ऊपर कर लो थोड़ा सा, इसको फोल्ड बिलो करके आप बैंड कर पाओ अपने आपको। पहले हम इन्हें हीलियम चेक करेंगे। आपको पीछे जाने में पेन रहता है ना? हाँ जी। एक बार पीछे जाइए, इसमें पेन है आपको जी पीछे जाने में। हम देख रहे हैं जैसे एकदम ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन में। आगे जाओ, नीचे बैठो। लेफ्ट साइड में पेन बताया था? हाँ जी। ठीक है, वापस आ जाओ। अब जब ये आगे जा रहे हैं तो उनका जो लेफ्ट इलियम है इनके साथ आगे जाना चाहिए, वो नहीं जा रहा। एक बार हम दोबारा इसमें दिखाते हैं। चलो आगे जाओ, मेरा काम पीछे आ रहा, वापस आ जाओ। हम इनका सेकंड चेक करते हैं। चलो फिर से आगे जाओ। ठीक, सैक्रम जो है वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। अब जब ये आगे जा रहे हैं सैक्रम पीछे आना चाहिए, इनका राइट साइड से आ रहा है बट लेफ्ट साइड से सैक्रम पीछे नहीं आ रहा है, तो हमें वो ठीक करना है। दो चीज़ें हमें ठीक करनी है, जो इनका लेफ्ट एरिया में और इनका जो सैक्रम है। और कहीं इसके अलावा और कोई कंप्लेंट है आपकी? नहीं सर। जैसे अभी आप पीछे गए थे उसमें भी आपको पेन था? पेन हो। तो एक बार स्टेक्स निकाल दीजिए और उल्टा देखिए। आपने इस साइड मेरी तरफ फेस करके बैठ गया, वन साइड एक कर ऐसे घूम जाओ। थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आगे नहीं करो और आगे आओ। तो फोल्ड कर लें नीचे ना पाया, बिल्कुल सीधा कर लो। तो ऐसे कर लो, गिरोगे नहीं आप। ये नीचे आ रहा था, इसको ऊपर करना। चलो लंबी सांस लो, छोड़ो, खड़े हो दोबारा चेक करो। क्या सिर्फ इलियम करेक्ट करने से इलियम सेकम दोनों ठीक हो? ठीक है, आगे जाओ। ठीक है, पीछे नहीं आ रहा, वापस जाओ, दोबारा आगे जाओ। अब आगे जा रहे हैं इनके साथ, वापस आओ। अब सेकम चेक करिए, एक बार और आगे जा रहे हैं, सेकम भी साथ में आ रहा है। ठीक है,
अभी आप अपना पेन एक बार चेक करो। कुछ काम हुआ इससे? बेटर लग रहा है। ठीक, अब मैं आपके फर्दर ऊपर चेक करूँगा स्पाइन। ठीक है, वहाँ कोई इशू है? और जो टेल बोन जो आप इशू बता रहे हो उसका फेशियल जो है साथ में आपके पैरों से रिलीज, आप इसके लिए उल्टा रेट ऑफ करिए फेस ऑफ। ठीक है, वो बैठना है, बैठना है, घूम लो। हाँ ले लो, कोई नेक में भी रहता है गर्दन में? इंश्योरेंस का ठीक है, डाउन नहीं जाना, डाउन वाला तो चेक कर लिया। ठीक है, जो बैक वाला पेन जो आप डाल देना चीज जाने पीछे वो कम हो। अभी आपने देखा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और बढ़ी है। हाँ, पहले आप थोड़ा सा झिझक रहे थे पेन की वजह से कि आप रुक रहे थे, बट अगर आपकी रेंज उससे बढ़ गई जी। ठीक है, लेकिन अब मैंने आपका टेल बोन का करा नहीं, वो मुझे करना है। Thank you.
ठीक है, वॉक करके वापस बैठना। जो आप हार्ड सर्विस पे बैठते हो कभी भी बैठते हो, जैसे 10 बार भी बैठोगे हर बार झुकता है? झुकता तो नहीं, बस पेन होता है उसका। तो कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, मैंने जो चेक कर लिया, मैंने कर लिया आपको, मैं अभी अलाइनमेंट कर लीजिएगा। तो मैं आपको यही फर्क बता रहा था, जैसे क्या चीज़ वो होती है, जो मैंने कहा ना कि रीढ़ की हड्डी में गैप आ गया जी। अब गैप रीढ़ की हड्डी तो देखो एक पूरी स्पाइन है, अब पूरी स्पाइन में आप ये थोड़े बहुत गैप है। मैंने स्पेसिफिक दिखाया बताया, और जब आप इसको देखोगे जो लेफ्ट जो दो गड्ढे होते हैं आगे जाने में, आगे जाना चाहिए ऐसे जाना था, ऐसे जा रहा था।